ओम शांति। स्पिरिचुअलिटी की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इस समय संपूर्ण रूप से ट्रस्टी बनकर रहना है। ट्रस्टी को बहुत सहज भाव से इस तरह लेंगे कि हम अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दें। सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। ये फीलिंग संपूर्ण रूप से हमें अपने अंदर बढ़ानी है, क्योंकि मेरा मेरा इस संसार में बहुत है और हमें सबसे पहले स्वयं को तेरा कर देना है। मैं तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ बात है। अब तक हम मनुष्यों के लिए जीते रहे हैं और अब हम जिए भगवान के लिए। इसकी सूक्ष्मता को समझें। अपने परिवार को भी कर दें तेरा। ये सारा परिवार, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, सब बाबा तुम्हारे बच्चे हैं। धन को भी कर दें तेरा। ये सब तूने दिया है तुझको अर्पित। जो योग्यताएं हों अपनी, कोई भी विशेषताएं, टैलेंट्स हों, वो भी प्रभु अर्पण। सब कुछ तेरा है। इस तरह मन की चिंताएं, मन के सब भाव उसको अर्पित कर दें, निमित्त हो जाएं। इसको ही ट्रस्टीशिप कहा जाता है। मेरा कुछ भी नहीं। और फिर हम उस अनुसार चलें जो बाबा हमें कहता है। ईश्वरीय श्रीमत को ही अपना जीवन बना दें। ये होगा संपूर्ण ट्रस्टीपन। तो हम चेक करें, हमने ऐसा किया है कि सब कुछ तेरा, या ये करना बहुत कठिन है। बच्चे की कोई बात आती है तो हम चिंतित हो के परेशान रहने लगते हैं, या हमें ये फीलिंग रहती है ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हें इसकी केयर करनी है। धन भी जो अपना है उसको भी ईश्वरीय आज्ञा अनुसार यूज करेंगे। धन कहीं व्यर्थ न जाए, धन कहीं ऐसे ही हमारा गलत कार्यों में खर्च न कोई कर ले, इसका भी पूरा ध्यान करना है। लेकिन अपने मन के भी ट्रस्टी, अपने बोल के भी ट्रस्टी, अपने कर्मों के भी ट्रस्टी, और इन सब के लिए समर्पण भाव रखना। तो मेरा कुछ भी नहीं है, देह भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये बुद्धि भी मेरी नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, ये संस्कार भी मेरे नहीं हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ये संस्कार मेरा हो गया है तो वो संस्कार बैठ जाते हैं, और अगर हम ये सोचते हैं ये पुराने संस्कार तो माया के संस्कार हैं, मेरे संस्कार तो वही हैं जो देव संस्कार हैं, तो देव संस्कार बैठने लगेंगे। तो मेरा कुछ भी नहीं, बहुत सुख संबात है। हमने कोई बहुत बड़ी सेवा की हो, मान शान जिसमें बहुत मिला हो, वो भी प्रभु अर्पण करके स्वीकार न करें, अर्थात वो भी मेरा नहीं है। हम ध्यान दें, हमारा धन भी बहुत पवित्र धन हो। यदि हम इल्लीगल तरीकों से कमाए गए धन से बच्चों की पालना करेंगे तो बच्चे चरित्रवान कभी नहीं होंगे, बच्चे हमें सुख कभी नहीं देंगे, वो हमारे लिए समस्याएं पैदा करेंगे, वो हमें बिल्कुल अपने आध्यात्मिक मार्ग पर लक्ष्य की ओर जाने से रोकते रहेंगे। तो हम सभी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आइए आज सारा दिन बाबा को अपनी छत्र छाया बनाएं। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, और परमधाम में बाबा सर्वशक्तिवान, उनका आह्वान करें, बाबा अपना धाम छोड़कर आ जाओ, हमारी छत्र छाया बन जाओ। और फिर ऊपर की ओर देखें, बाबा धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, उनको उतरता हुआ देखें, उनके अवतरण को एंजॉय करें। आ रहे हैं नीचे अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए,
और आ गए हमारे सिर के ऊपर। नीचे मैं शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। तो आओ आज हम सारा दिन सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहकर इस जीवन को निर्भय बनाएं। ओम शांति।